आज के दिन लोगों का बिहेवियर इसका उल्टा ही होता है। लोग बिना शर्म के कहते हैं कि मुझे पावर का नशा है, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिरने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसी कहावतें सुनाते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है, चढ़ते सूरज को सलाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो उसका साथ दूंगा जिसका जीतने का चांस है, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। इन सभी कहावतों में पावर और सत्ता को कितना सर पे चढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नजरिया बदलो, खुद ही सोचकर देखो कौन यहाँ विजेता होगा। एक ऐसा इंसान जो अपनी सारी मोरालिटी, सारी वैल्यूज, सारे उसूल खो देता है सत्ता पाने के लिए, या फिर एक ऐसा इंसान जो सत्ता को अपने हाथ से जाने देता है बिना अपने मॉरल्स, वैल्यूज और उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करे। और ऐसा करते वक्त कैकई को लेकर उनके दिल में कोई भी दुर्भावना नहीं थी। चैप्टर 19 श्लोक 24, बस वो एक कंप्लेन करते हैं कैकई को, भरत को राजा बनाना था तो आपने पिताजी को क्यों कहा, सीधा मुझे ही क्यों नहीं कहा, लगता है कि आपको इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर। तो एक सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। अगर अपनी मोरालिटी को बचाकर आपने कुछ खोया तो क्या ही खोया, और अगर अपनी मोरालिटी को त्याग कर आपने कुछ पाया तो क्या ही पाया। ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आपको वाल्मीकि रामायण पर मेरा पिछला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।